सोमवार को नागपुर के राणा प्रताप नगर चौक पर श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना द्वारा वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप सिंह जी का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान मूर्ति का पंचामृत से अभिषेक कर माल्यार्पण कर पूजा अर्चना की गई और ढोल पथक के साथ महाराणा प्रताप सिंह का जय घोष किया गया। इस दौरान महाप्रसाद का वितरण भी किया गया। हर साल की तरह इस साल भी नागपुर में महाराणा प्रताप सिंह का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। सोमवार 9 मई को नागपुर के राणा प्रताप नगर चौक पर स्थित महाराणा प्रताप की मूर्ति का पंचामृत से अभिषेक किया गया। इस दौरान पूर्व महापौर दयाशंकर तिवारी, विधायक मोहन मते, गिरीश पांडव, पूर्व नगर सेवक नंदा जिचकार, अर्जुन सिंह ठाकुर, सूरज सिंह ठाकुर, सुरेश सिंह गहरवार के हाथों पूजा अर्चना कर मूर्ति को माल्यार्पण किया गया। वहीं जन्मोत्सव पर ढोल पथक द्वारा महाराणा प्रताप सिंह का जय घोष किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित थे। प्रताप सिंह की प्रतिमा की पूजा के बाद परिसर में लड्डू और महाप्रसाद वितरण किया गया। इस कार्यक्रम के सफल आयोजन के बारे में प्रदेश अध्यक्ष अर्जुन सिंह ठाकुर ने अपने विचार व्यक्त किए। सभी को प्रणाम। मैं श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर अर्जुन सिंह और मेरे साथ उपस्थित यहाँ पे हमारे केतन भैया, सूरज भैया, विश्वजीत भैया, हमारे रमा बुआ। आज सवेरे 7:30 बजे महाराणा प्रताप चौक पे सभी भाइयों ने यहाँ पर उपस्थिति अपनी दी। सबका कोटि-कोटि धन्यवाद करता हूँ। और इसी तरीके से वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी का जन्मोत्सव हर साल यहाँ पे मनाया जाएगा और इसी उत्साह से जाएगा। भारत की राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना की ओर से महाराष्ट्र नागपुर में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर सभी राजपूत संगठन, सभी हमारे भी कुछ शहर के संगठन है, सभी विभिन्न वर्गों के समाज, सभी इस महोत्सव में शामिल हुए और इस संगठन की तरफ से सभी ने बहुत अच्छा सहयोग किया। इस महाराणा प्रताप सिंह जी की प्रतिमा में सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। महाराणा प्रताप सिंह जी के जन्मदिन की उपलक्ष्य में सबको शुभकामनाएं। इस कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए राष्ट्रीय प्रवक्ता सूरज सिंह ठाकुर, केतन सिंह ठाकुर, प्रदेश महासचिव जीत सिंह, जिला अध्यक्ष पवन सिंह बेस, मीडिया प्रभारी शत्रुघ्न सिंह चंदेल, राहुल सिंह बेस आदि ने सहकार्य किया। एकता गहरवा, BCN News नागपुर।